नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। और मैं जो बाइसल लेवल कम स्किनर बना है उसी के थ्रू मैं आप लोग को व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 21 जनवरी 2019 के लिए मैंने आप लोग को इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, बाई लेवल एंड सेल लेवल। उसके बाद आप लोग को 100 DEM स्ट्रेटजी दिखाऊंगा और 100 DEM स्ट्रेटजी कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो दिखाऊंगा। इनसाइड द बार NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा कुछ दिखाऊंगा, कौन सा स्टॉक कुछ कुछ स्टॉक्स में बना है वो दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पर देता हूँ और ये बाय लेवल सेल लेवल कैंडलस्टिक पैटर्न में स्ट्रेटजी जो देता हूँ वो भी इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को लाइव मार्केट में ट्रेड करने से बहुत ही आसान कर देगा और बहुत सारा स्ट्रेटजीज भी है, टेक्निक्स भी है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बाइस लेवल को कैसे मोस्ट इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है, कैसे फिबोनाची स्ट्रेटजी इसमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसमें क्या क्या है ये आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इसका इफेक्टिवनेस और हाउ टू यूज़ ये आप लोग एसेस कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए, इसका हाउ टू स्क्रीन देखिए और फिबोनाची स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव यूज़ इस सब वीडियोस इसका देख लीजिए तो आप लोग को ये बहुत ही काम पे आएगा। और ये भी इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ पूरा फाइल, तो उसका लिंक इसमें दिया जाएगा, आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। और जिसे फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी दिया हुआ है और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसमें मैंने बाई सेल लेवल 1, 2 और 3 बाई लेवल और सेल लेवल 3 सेट बनाता हूँ और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये बाई लेवल एंड सेल लेवल 1 का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाय करो। मैंने कल के लिए ये स्टॉक्स चुना हूँ, ये आप लोग को दिखाऊंगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये पूरा फाइल मिल जाएगा। और टारगेट बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है। कैसे समझ लीजिए, ये इंडिया ग्लोबल फिनांस 299,301 सोच लीजिए 200 या 300 के ऊपर या 350 के का सोच लीजिए 300.50 या 300.35 या 300.70 में ओपन हुआ तो आप लोग 301.90 का टारगेट के लिए आप लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये टारगेट के आसपास जब ओपन होगा तो ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही आप लोग एंट्री लेंगे ये टारगेट के लिए। सेल लेवल भी ऐसे करना है और हर बाई सेल लेवल में मैंने जो बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3 दिखाऊंगा वो उसमें भी ऐसा करना है। तो इसके बाद आएगा बाई सेल लेवल टू इसके बाद बाई सेल लेवल 3 दिखाऊंगा आप लोग को। इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना सारा इंडिकेटर्स लगा हुआ है और ये है बाई सेल लेवल 3। इसका R1 बाई का एंट्री लेवल रहता है और S1 सेल का एंट्री लेवल रहता है और इसका पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी आप लोग को दिखाता हूँ। और इसमें बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें प्राइस चैनल जो है इसका मिड बैंड अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सब आप लोग को एंट्री पॉइंट मिल सकता है, एंट्री पॉइंट बन सकता है। और टीन ऑन लेवल जो है इसका भी टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का जो वैल्यू है वो आप लोग नोट कर सकता है तो ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट बन सकता है। मैंने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का
लेबल दिखाऊंगा निफ्टी बाई निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी बाई निफ्टी इंडेक्स का। इसमें ये फ्यूचर्स है और ये इंडेक्स है निफ्टी बाई निफ्टी का। तो ये है बाइसिनल वन, सब में एक ही है बाइसिनल वन में पहली बार सेल एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट बढ़ाया था बढ़ाया था, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाला था बढ़ाया था। और इसमें सब स्ट्रेट रहता है वैसे लेवल टू और वैसे लेवल थ्री में सब स्ट्रेट ही रहता है। इसका पिवट पर स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, बोलिंग बैंड प्राइस चैनल और इंटरनल लेवल का वैल्यू नोट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ये सब लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें मतलब कमोडिटी का लेवल लिखा था वो कुछ आदमी पूछता है कि कमोडिटी का लेवल नहीं लिखा था, लेकिन कमोडिटी का सभी लेवल लिखा रहा जाता है और कभी सभी लेवल है। और आप लोग जो मेरा सर्विस लेंगे तो इसमें लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट भी आप लोग को मिल जाएगा। और कमोडिटी का और भी कुछ बाकी रहेगा लोग यूट्यूब पे वॉच करके भी देख सकते हैं, मैं जल्दी दिखा देता हूँ। और कुछ फीचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, इसका ऑनली वन लेवल ही दिखाता हूँ। और इसके बाद देखिए मैंने 100 डे यूनिट जो स्ट्रैटेजी है 100 डे मूविंग एवरेज किस किस पे काट किया है उसको फिर अभी तो सोच लीजिए इसी सी में काट किया है और अगर ये पोर्ट में काट किया है ये सब का जी जी इसमें तो जी जी स्टॉक्स में काट किया है उसका आज का हाल में जब चलेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो इससे हम लोग को कैसे होता है हम लोग को जब अच्छा दिखा देते हैं पहले भी दिखा था वो जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोग है और जो लोग नया देखते हैं उसका उन लोग के लिए अब लोग इसका कैंडल को ये काट किया है। तो इसका जब आप लोग जानते हैं प्रीवियस रिपोर्ट मतलब 100 डे हाई लो जब देखते हैं तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, लेकिन जब 100 डे मूविंग एवरेज जिस कैंडल को काट कर जिस स्टॉक्स कैंडल को काट करता है उसका और भी सिग्निफिकेंस रहता है, क्योंकि 100 डे यूनिट का नीचे भी जाएगा तो और भी ये बहुत ही नीचे जाने का प्रॉबिलिटी रहता है। और जब आप इसका वो ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये अभी आप ये अभी डाउन टर्न में जाए अभी आपके में जाने का प्रॉबिलिटी रहता है। अच्छा इधर अब ये आदमी को दिया इधर हम लोग बैंक बड़ौदा जो छोटा स्टॉक्स होता है ठीक है, बी पी सी को देख सकते हैं, सी एस सी को देख सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। जो लोग का पैसा भी चाहता है वो आपको मिल जाएगा यू पी एफ आई थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन हम लोग इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। ये